Hello, very good morning, friend. Myself Abhishek Maria, and very welcome you, you all of you, on my YouTube channel, Cognitive Learning Classes. Today video we focus on the preparation uh, and strategy for the NEET exam and MC exam. So let's start. Uh, I will be used bilingual, Hindi as well as English for the comfortable for both type of audience. सो स्टार्ट स्ट देखिए जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो नीट एग्ज़ाम है इसके बारे में आपको समझाना स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं और बहुत सारे उनके जो है चैलेंज होते हैं जब वो नीट एग्ज़ाम को कर रहे होते हैं तो मैं नीट एग्ज़ाम के बारे में कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ एज ए टीचर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है नीट स्टूडेंट को गाइड करने का उसके भी आप पे मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा जो नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के कुछ मिथ होते हैं कुछ डाउट होते हैं कुछ वो सुपर एक्सपेक्टेशन पे बिलीव करते हैं उन सब से अलग हम कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें ईजी तरीके में अपने पढ़ाई को मैनेज करें और कैसे अपने को मैनेज रखें मेरा मतलब है जो पढ़ाई के वजह से जो उन्हें टेंशन होती है जो उन्हें मेंटल एक स्टेट से वो गुजरते हैं तो उसमें कैसे काउंसलिंग हो ये वीडियो की जो सीरीज है ये मैं बेसिकली इस काउंसलिंग परपज से कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को समझाऊँ कि उन्हें पढ़ना कैसे है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए जो नीट का एग्जाम है बेसिकली पहले मैं नीट को ही बताऊंगा जो नीट का एग्जाम है ये मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम है सबसे पहली बात ये है कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है तो इस बात को समझना जब हम बोल रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जब हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो क्वेश्चन के नेचर हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है तो नीट एग्जाम में टोटल जो है आपसे 180 एट्टी क्वेश्चन के लिए एग्जाम होता है इस 180 एट्टी में जैसे इसमें जो है 180 एट्टी में इस तरीके से डिवीज़न है 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं अलेवेंथ ट्वेल्थ में बायोलॉजी और ट्वेल्थ को बायोलॉजी को जुलॉजी और बॉटनी में अलग अलग नहीं किया गया है तो इस वजह से मैं इसे बायोलॉजी लिख रहा हूं ठीक है फोर्टी फाइव क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के होते हैं और फोर्टी फाइव क्वेश्चन फिजिक्स सब्जेक्ट के होते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये जो एग्जाम है इसमें ये सारे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यानी वन एट्टी क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं तो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए और जो स्टूडेंट नहीं करते कि इन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपकी जो अप्रोच हो वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए न कि सब्जेक्टिव होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच का क्या मतलब है जैसे ऑब्जेक्टिव जब आप से जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जब आपसे पढ़ने को बोला जाता है तो आपको जो चीज़ें हैं वो टू द पॉइंट पता हूँ जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम में बोर्ड का एग्जाम होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि जैसे आपको कोई चीज़ दे दिया गया तो उसमें आप अपनी ओपिनियन को भी थोड़ा मेंशन करते हैं और हर कोई जो सब्जेक्टिव को लिखेगा सब्जेक्टिव का लिटरल मीनिंग होता है ना पर्सन स्पेसिफिक जैसे मेरा एक सब्जेक्टिव व्यू होगा किसी चीज़ के बारे में तो जो मैं उसे बोलूँगा तो उसमें एक नॉलेज होगा और साथ में एज ए सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो कि मैं हूँ तो मेरा उसे देखने का एक पर्सपेक्टिव होगा एक नज़रिया होगा जिसे आप बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं कि किसी एक टॉपिक को दे दिया जाता है कि आप इसे जस्टिफाई करिए आप इस पर कमेंट करिए तो आप क्या करते हैं कि कुछ तो आप बुक के नॉलेज को लिखते हैं बाकी अपने व्यू को लिखते हैं तो अगर पचास लोगों से वो लिखवाया जाएगा तो पचासों लोगों का जो आंसर होगा उसमें कंटेंट वेरी करेगा इसी वजह से कोई हम फाइनल पे नहीं पहुंच पाते जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा तो उसका आंसर फिक्स होता है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है मतलब कौन आंसर दे रहा है इससे नहीं मतलब है वो आंसर फिक्स होगा और वो आंसर हर बार वही होगा वो उसमें बिल्कुल भी एक भी परसेंट चेंज नहीं होगा मतलब किसी भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है तो आप 10 लोगों से 20 लोगों से अगर आंसर लेंगे तो उन सब का आंसर एक ही होगा वो आंसर नहीं बदलने वाला तो इस टाइप का चीज़ आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएगी दूसरी बात ये एंट्रेंस एग्जाम है बोर्ड एग्जाम नहीं है देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको पास करना होता परसेंटेज होता है और एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना होता है सलेक्शन लेना होता है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ़ उतनी नेसेसरी चीज़ें पढ़नी है जिससे आप इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई हो जाए देखिए जो नया क्यूरिकुलम है जैसे मुझे जो है मेरा एक्सपीरियंस करीब दो हज़ार से है इस फील्ड में तो दो हज़ार में टू थाउजेंड में जो सेलेबस था उसे रिवाइज किया गया उसमें चेंजेज लाए गए जो चेंजेज लाए गए हैं उसमें क्या हुआ है उस चेंजेज में अब जो है आपका जो सेलेबस है वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है उसमें आपके बर्डन को कम करने की कोशिश की गई है उसका मीनिंग ये है कि पहले जो हम एग्जाम देते थे 2004-5 से पहले तो वो उसमें फैक्ट बेस क्वेश्चन ज़्यादा आते थे बट अब जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट बेस न आके वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और उनके एप्लीकेशन आते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ना तो इसके दो जो है पैरामीटर हैं कि इनमें एक तो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और दूसरे इन कॉन्सेप्ट का अप्लाइड फॉर्म इनके अप्लीकेशनस पूछे जाते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे इस बातों को ध्यान में रख के ना जो आपकी आपकी एनसीईआरटी है उसको रीराइट किया गया है टू थाउजेंड फोर फाइव की अगर आप एनसीईआरटी टी देखेंगे वो एन सी आर टी भी होती है वो एन सी आर टी भी आपको मार्केट में मिल जाएगा उस एन सी आर टी बुक को देखेंगे तो उसमें फैक्ट तब ज़्यादा थे तब जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते थे वो स्टेट वाइज वेरी भी करते थे हर स्टेट में अपने स्टेट पीएमटी होते थे जैसे मैं यूपी से आता हूँ तो यूपी में सी पी था एमपी में एमपी पीएमटी था कर्नाटका की अपनी पीएमटी थी महाराष्ट्र गुजरात इनकी अपनी अपनी पीएमटी होती थी दिल्ली का दिल्ली पीएमटी होता था और एक सेंट्रल एग्ज़ाम लेता था जिसे सी पीएमटी बोलते थे उसी का नेम बदल के आजकल उसे बाद में उसे ए आई बोला गया आल इंडिया पी ठीक है जिसमें फिफ्टीन परसेंट सीटों में लोगों को एडमिशन मिलता था जो ए आई पी एम टी एग्जाम से आते थे और 85 परसेंट सीटें जो है स्टेट से भरी जाती थी जो स्टेट पी एम टी होते थे तो बहुत सारे एग्जाम में बच्चों को बहुत सारे वेरिएशन वाले सिलेबस के साथ प्रिपरेशन करना पड़ता था बट आज की डेट में क्या है कि ऑलमोस्ट थ्रू आउट कंट्री जो सिलेबस है वो एक हो गया है क्योंकि सब कोई एन को फॉलो कर रहे हैं और न्यू एन को फॉलो कर रहे हैं जो टू थाउजेंड फोर फाइव के बाद की है यही न्यू एन सी आर टी है अराउंड टू थाउजेंड सिक्स उसमें लिखा होगा जब आप उसकी बुक को देखेंगे तो उसका जो एडिशन का ईयर होगा वो एडिशन जो जो है टू थाउजेंड सिक्स वाला है जो न्यू एन सी आर टी है ठीक है जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल इसको दिखाना चाहूंगा जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये आपकी न्यू एन बुक है ठीक है ये क्लास ट्वेल्व की बुक है ये क्लास ट्वेल्व की बायोलॉजी है और ये आपकी ओल्ड एन बुक है जो 2004-5 से पहले की है ये पब्लिश की गई थी तो हमें जो फॉलो करना है वो न्यू एन और उसके सिलेबस को फॉलो करना है जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें जो है कभी भी आपको एन से बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि एन से बियॉन्ड पढ़ना है वो सिर्फ आपको भटका रहे हैं मेरी बात कम से कम इतना आप मानिए जैसे मेरी बात मानने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर रखिए उस पेपर को क्वेश्चन से मैच करिए देखिए कोई भी जो कंपटीशन होता है उसमें चार पाँच साल बाद उसके पैटर्न चेंज हो जाते हैं तो अभी जो मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ ये 2021 में 2021 में अभी मैं वीडियो को जो शूट कर रहा हूँ ये 2021 में टू कर रहा वन फेब नाइनटीन को नाइनटीन वन नाइन इसमें मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो ये जो आप एग्जाम देंगे 2021 में तो आपको सिर्फ पीछे पाँच साल की जो एग्जाम में क्वेश्चन का जो पैटर्न रहा वही आपका पैटर्न रहेगा तो इससे अगर पाँच साल आप पीछे जाए तो अराउंड टू तक 2015 से पुराने क्वेश्चन को आपको नहीं छूना है उससे पहले क्या पूछा जाता था क्या पैटर्न था उससे कोई मतलब नहीं है 2015 से जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ आप उस पैटर्न के क्वेश्चन को ध्यान देंगे उस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो जितना सिलेबस को कवर करता है वही आपका सिलेबस है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ वो न्यू एन के पैटर्न को फॉलो करता है तो आपको कोई भी एडिशनल बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में टाइम कम होता है और पहले बच्चे जो है ड्रॉप करके तैयारी करते थे अब जो अलेवेन्थ ट्वेल्थ में स्कूल के साथ तैयारी करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत सारा मटेरियल फॉलो करें देखिए इसमें एक और चीज़ है कि जब एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव हो रहा है ना तो आप लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे लिखने वाला काम सिर्फ बोर्ड में होगा जो मेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जिसने डिसीजन लिया है तो वो मान के चल रहा कि वो बोर्ड की तैयारी उसके साथ कर लेगा ठीक है तो बोर्ड के जब एग्ज़ाम आए तो उसमें आप उसको लिखिए सब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए लेकिन जब तक जो है आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नोट्स अगर कोई बना रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव पर्पज का हो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप नोट्स मत बनाइए जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं नोट्स नहीं बनवाता हूँ क्योंकि मटेरियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका बर्डन ज़्यादा होगा और लास्ट मोमेंट में आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आपको जो करना है कि मटेरियल को कम से कम रखना है और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है देखिए नीट एग्ज़ाम कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं है बस इसमें अगर टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखेंगे मटेरियल को बहुत कंसाइज बहुत छोटा रखेंगे और आथेंटिक तो सबसे आथेंटिक एग्जाम सबसे आथेंटिक मटेरियल जो है ये आपकी एन ही होता है कोई भी क्वेश्चन में डाउट होने पे एन में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसी को सही माना जाएगा फाइनल वही जो है वही आपका आंसर की के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो आप एनसीआर बुक को पढ़िए एन बुक को लाइन बाई लाइन पैरा बाई स्टेंजा स्टेंजा एंड बिटवीन द लाइन ठीक है मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को और उसको पढ़िए देखिए इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि एन की बुक में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी स्टैंडर्ड है वो कंप्रेस फार्म में और बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे वे में बताया गया है बट जो बच्चे हैं वो बचपन से किताब नहीं पढ़ते हैं या किताब में वो एन नहीं पढ़ते हैं वो डिफरेंट अदर पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं जिनमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उनसे जो है बहुत इजी होती है उनके जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं लेकिन जब आप अलेवेंथ ट्वेल्थ के स्टैंडर्ड में होते हैं तो हर एक सब्जेक्ट अपने एक एडवांस फार्म में होता है आप किसी भी सब्जेक्ट के देखेंगे मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट की एन की बुक देखी है तो नाइन्थ और टेंथ तक जो बुक रहेगी और उसका जो टॉपिक रहेगा वो हल्का होता है उसमें जो है बहुत इजी वे में लिखा होता है लेकिन जैसे ही आप अलेवेंथ ट्वेल्थ में जाते हैं सब ये इंटरमीडिएट क्लासेज है ना तो यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता है तो उसके लिए जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होती है तो अलेवेंथ के बच्चे के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि उसे लैंग्वेज पे कमांड करना है उसे एंट्रेंस की तैयारी करनी है उसे बोर्ड की तैयारी करनी है और टाइम कम होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने बहुत सारे अदर मटेरियल लिए तो आप सबको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और लास्ट में इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा तो आपको क्या चीज़ें करनी है वो मैं बहुत फाइनल कर रहा हूँ कि जैसे आप कोई भी एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए कोई भी जो ऑल इंडिया लेवल की जो कोचिंग है उसके टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए ठीक है कोई भी आप कर सकते हैं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन जो रिप्टेड है जो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज को करवाते हैं उन्हें एन सी आर टी बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव बुक हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं जैसे एक बुक मुझे बहुत पसंद है एन सी आर टी एट योर फिंगर टिप्स इस बुक को आप रिकमेंड कर सकते हैं एन सी आर टी एज ए टेक्स्ट बुक्स यूज करिए उस एन सी आर टी के पेज को ना आप हाईलाइटर से मार्क करिए जो क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट हैं जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे बुक को पढ़ने का जो तरीका होता है ना तो आप इन बुक को ही इसमें मार्क करिए इन बुक को इनकी लाइनों को मार्किंग करिए जो आपका नोट्स होंगे फाइनली जो आपका नोट्स होंगे इस तरीके से इन्हें हाईलाइट करिए जो बुक है इसी को जो आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है ठीक है लेकिन अब इस बुक को पढ़ने में जो प्रॉब्लम आएगी जैसा मैंने बोला कि जो लैंग्वेज है लैंग्वेज पे थोड़ा कमांड होना चाहिए तो ये ये कमांड कैसे आएगा जो आपका टीचर है जो आपको पढ़ाते हैं अगर वो एन को फॉलो करते हैं मोस्टली टीचर फॉलो नहीं करते हैं वो डिफरेंट जो है जो साइड बुक होती हैं उनको जो है फॉलो करते हैं लेकिन अगर कोई एन को खुद पढ़ेगा और फिर आपको उस बुक के जिस वे आप प्रेजेंटेशन में दिया गया वैसे अगर आपको टॉपिक बताएगा तो ये आपके एग्जाम के बहुत करीब होगा देखिए जो नोट्स का जो कल्चर है नोट्स में दिक्कत ये होती है कि जैसे मैं आपको कोई टॉपिक मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ ठीक है जैसे मान लीजिए मैं सेल का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो शुरुआत में जो कुछ चीजें पढ़ाऊंगा वो चीज़ें हो सकता है अलग अलग लोगों को जैसे एक स्टूडेंट एक्स है उसको बहुत सारी बातें आ रही हैं दूसरे स्टूडेंट को वो नहीं आ रही हैं तो दूसरे स्टूडेंट को नोट करना और पहले स्टूडेंट को नहीं नोट करना है अब मैं नोट्स को एक ही फार्म में डिक्टेट करूंगा तो मैं हर एक पेशेंट को पैरासीटामॉल खिला रहा हूँ चाहे उससे बुखार है या नहीं है मतलब मैं हर मर्ज की एक ही दवा दे रहा हूँ ये फर्जी का बर्डन होगा जो बाद में बल्कि मटेरियल क्रिएट करेगा इसीलिए मैं नोट्स नहीं देता जब मैं आपकी क्लासेज लूँगा तो जो मेरा बोर्ड होगा उस बोर्ड पे जो चीजें उसे आप अपने से नोट कर सकते हैं वही नोट्स आपके लिए सफिशियंट होगा आपको जरूरत नहीं है अलग से कोई नोट क्रिएट करने की आप बुक को लेके बैठिए उस टॉपिक पर्टिकुलर को लेके बैठिए जिस टॉपिक को मैंने हेडिंग की है उसे देखिए उसमें बुक पे ही जो जो मेरे एक्सप्लानीशन है उन्हें आप लिख सकते हैं जो बुक में स्पेस होता है मैं यही चीज करवाता था और बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं मेरे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो 90 क्वेश्चन हैं बायोलॉजी में इसमें 85 प्लस क्वेश्चन वो गारंटेड सही करते हैं ठीक है तो ये जो मैं आपको तरीके बताया जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है इन सबको कंसीडर करना है क्या क्या मैंने बताया एक बार थोड़ा समरी कर लेते अभी मुझे कुछ और चीज़ें बतानी है जैसे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो आप एंट्रेंस के लिए पढ़ेंगे आप कोई जो है एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नेचर है तो आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये हुआ कि आपको टू द पॉइंट बातें पता होनी चाहिए उसमें कहानी नहीं बताना है स्टोरी नहीं बताना कोई सब्जेक्टिव नहीं लिखना है ठीक है ऐसे सब्जेक्टिव में पेज नहीं भरना है आपको या तो पता होगा या नहीं पता होगा तुक्का लगाने से जो है कोई भी सेलेक्ट नहीं होता है ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए लक भी उसी की काम करेगी जो मेहनत करेगा इसलिए आप तुक्का लगा के क्वेश्चन सही कर पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है सिलेक्शन लायक like तो नहीं कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट जो है कि मटेरियल में आपको एनसीआर पढ़ना जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन को पढ़ना है डेटा बहुत लिमिटेड है जितना एनसीआर में डेटा है वो जरूर पढ़ना है उसके बियॉन्ड का कोई डेटा आपको याद नहीं करना अगर कोई डेटा एन में नहीं मेंशन है तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे एनसीआर के न्यू फॉर्म को फॉलो करेंगे पुरानी एनसीआर को नहीं पढ़ेंगे पुरानी एनसीआर टी पे बेस्ट टेक्स्ट बुक को भी नहीं आप पढ़ेंगे ठीक है ये कुछ चीजें हो गई जो मैंने अभी तक आपको बताई अब कुछ और बातें मैं आपको बताऊं कि जैसे आप जो है आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप ये जानिए कि आपको इस 90 क्वेश्चन को ये जो 90 क्वेश्चन है यही आपको सेलेक्ट कराता है ठीक है मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करके फिर से लिखता हूँ एक स्ट्रेटजी एग्जाम ओरिएंटेड आपको समझाता हूँ देखिए अगर आपको पूरे एग्जाम को समझना है तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक देखिएगा और फिर ये सोचिएगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं अगर उन सब गलतियों में इम्प्रूवमेंट लाएंगे अगर उन सब गलतियों को करेक्ट करेंगे उन्हें फिर से जो है रेक्टिफाई करेंगे तो आप जरूर जो है सक्सेस होंगे देखिए जैसे जो नीट का एग्जाम है इसमें मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ठीक है तो ये इंट्रेंस एग्ज़ाम है ये बात हमें हर बार याद रखना कि हम इंट्रेंस दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव इंट्रेंस दे रहे हैं तो हमें पढ़ाई का ओरिएंटेशन ये गाड़ी के स्टेयरिंग जैसा है इससे अगर इधर उधर गए तो फिर इसके बाद आप कभी समेट नहीं पाओगे आपको इंट्रेंस एग्जाम देना और वो भी ऑब्जेक्टिव देना तो पढ़ाई इंट्रेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए उसमें कहानी नहीं होनी चाहिए आपको पूरा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए उसमें आप कमी नहीं कर सकते और उसमें भी क्या पढ़ना है कॉन्सेप्ट और उसके अप्लीकेशन ये भी फिक्स है कुछ इधर उधर की चीज़ें नहीं कॉन्सेप्ट अप्लीकेशन और इन कॉन्सेप्ट के लिए जो डेटा कंपलसरी है सिर्फ उतने डेटा पढ़ने हैं बहुत सारे डेटा नहीं ठीक है।, है तो ये डेटा को बहुत कम कर दिए हैं एन के हर चैप्टर में उसके शुरुआत में जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको सबसे पहले सिलेबस मेंशन है तो जब आप क्वेश्चन को देखेंगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो उन सिलेबस पे बेस होगा हमेशा ये ध्यान रखना है जैसे देखिए ये जो चैप्टर है ये है एनसीआरटी का क्लास ट्वेल्व का चैप्टर फोर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है तो इसमें जो चीज़ें आपकी पढ़नी है वो सिलेबस आपको पहले से मेंशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्टडजी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इनफर्टिलिटी अगर पेपर का आप ढंग से पोस्टमार्टम करेंगे मतलब पेपर को अगर ढंग से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बने हैं और वो क्वेश्चन क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं डेटा पूछ रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग पूछ रहे हैं कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है ठीक है ऐसा हर चैप्टर में होगा तो इसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे इसको आप छोड़ेंगे नहीं ठीक है नेक्स्ट आपको बताते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम ऐसा हर सब्जेक्ट में फॉलो करेंगे केमिस्ट्री में भी फॉलो करेंगे फिजिक्स में भी देखिए अब प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे जैसे जो है 90 क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के आते हैं ये आपका कोर है सिलेक्शन के लिए इसमें हमेशा जो है आपका 85 प्लस में सही होना चाहिए आपका गेन 85 प्लस होना चाहिए नहीं तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे ठीक है और फिर दूसरा जो है ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल चीज होता है 45 जो फिजिक्स है और 45 आपका जो केमिस्ट्री है देखिए जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होता है वो जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री उनकी थोड़ी वीक है तो इसमें कम से कम जो है कम से कम देखिए जैसे अलग अलग स्टेट में आपकी रैंक वेरी करेगी जैसे कुछ एक स्टेट में आपको हाई मार्किंग करनी होगी कुछ एक को कम करनी होगी ठीक है तो जहाँ पे कम है वहाँ पे ये बायोलॉजी इनके थोड़े भी फिजिक्स केमिस्ट्री के थोड़े भी आपके अचीवमेंट से आप सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे दिल्ली जैसे स्टेट में ले जाना हो तो देखिए यहाँ कम से कम फोर्टी क्वेश्चन और यहाँ भी फोर्टी क्वेश्चन इतने क्वेश्चन कम से कम मिनिमम जो है आपको अचीव करने हैं आप देखिए फोर्टी फोर्टी क्वेश्चन जब फिजिक्स में पढ़ना है तो आप फिजिक्स में क्या करते हैं कि बड़े बड़े सब्जेक्टिव दो दो पेज के न्यूमेरिकल्स लगाते हैं आपका जो क्वेश्चन आता है वो एक मिनट का क्वेश्चन होता है तो आपसे कभी भी उतना लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया जाएगा आप नीट का पेपर देखिए तो अगर आप उस तरीके के क्वेश्चन डेरिवेशन इन सबको लगा रहे हैं तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो नहीं आएगा केमिस्ट्री में क्या गड़बड़ी करते हैं कि केमिस्ट्री में आपके तीन पोर्स होते हैं केमिस्ट्री में फिजिकल होती, होती, होती है ऑर्गेनिक होती इनऑर्गेनिक होती है ज्यादातर टीचर और स्टूडेंट फिजिकल ही पढ़ते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बिल्कुल कम जैसे एक हफ्ते में एस प्लाक एक हफ्ते में पी एक हफ्ते में डी कर देते हैं इस तरीके से आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन लगभग हर जो है सेक्शन से पूछा जाता है फोर्टी फाइव क्वेश्चन है ना तो इसे थ्री से डिवाइड करिए तीन केमिस्ट्री है तो ये आप देखेंगे कि ये तीनों में ये तीनों जो है पंद्रह क्वेश्चन करीब फिजिकल से आते हैं पंद्रह आर्गेनिक्स और पंद्रह इनऑर्गेनिक तो आपको तीनों को वेटेज दे के पढ़ना है इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आप जो वन ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि जनवरी तक फिजिकल ही पढ़ते रह जाए जो आपका टाइम है, जैसे अगर आप आठ महीने में पढ़ रहे हैं तो दो दो महीने में सब खत्म करना है और लास्ट के दो महीने रिवीजन करना है रिवीजन के लिए टाइम बहुत कंपलसरी है जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो एक बार कितना भी अच्छा पढ़े हों तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे आप जो है बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे मुश्किल हो जाएगा ठीक है? है? जो है, जो है, है, है तो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट का थोड़ा वीक पोर्शन होता है जो ट्वेल्थ की फिजिक्स है वो ज्यादा स्कोरिंग है तो जब आप देखेंगे फोर्टी फाइव क्वेश्चन को तो यह अलेवेंथ और ट्वेल्थ से लगभग इक्वल में आते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि की ट्वेल्थ की फिजिक्स जो है उसमें थोड़ा सा मुश्किल है कुछ स्टूडेंट को तो आप की फिजिक्स के बजाय ट्वेल्थ की फिजिक्स को ज्यादा फोकस करेंगे जहाँ थ्योरी पोर्शन होता है थ्योरी के अप्लीकेशन होते हैं जिनके न्यूमेरिकल वीक हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है तो ये आपको हेल्प करेगा फिजिक्स में तो अगर आप फिजिक्स में इस स्ट्रेटी को फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर ज़्यादा हो जाएगा ठीक है अगर आप जो है फिजिक्स में बड़े न्यूमेरिकल की जगह छोटे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट बेहतर आएगा तो आप न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे यहाँ जो न्यूमेरिकल होते वो बड़े नहीं पूछे जाते अब सब्जेक्टिव एग्जाम तो वो आई में भी लेना बंद कर दिए तो आई का जो मेंस का एग्जाम है और जो नीट का है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का लगभग एक ही लेवल है ठीक है तो इसको एग्जाम को आप देखेंगे दोनों ऑब्जेक्टिव पर्पज है दोनों एन सी बेस है तो आप एन सी बेस को कई बार पढ़िए और उसके बेसिस पे करिए यहाँ भी एन सी और फिंगर टिप्स जो बुक है वो आपकी बहुत हेल्प करेगी एन पे बेस्ड जो भी ऑब्जेक्टिव बुक हो जैसे इस किताब को मैंने पढ़ा है तो मैं इस किताब का नाम ले रहा हूँ आप दूसरी भी फॉलो कर सकते हैं बस ऐसे कि उनके आंसर सही हो उसमें मिस्टेक कम से कम हो तो जो आपको ज़्यादा सही लगे आप उसे फॉलो करिए ठीक है आप फ्री हैं लेकिन वही फॉलो करिए जो ऑथेंटिक हो जो एन सी हो अब हम बायोलॉजी में आ जाते हैं बायोलॉजी में देखिए जो 90 क्वेश्चन हैं तो ये आपके अलेवेंथ ट्वेल्थ के दोनों के मिला के करीब जो है जो दस यूनिट है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको आपको पढ़ना है अब जो मैं बोल रहा था कि एंट्रेंस एग्जाम है तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है जो टू द पॉइंट जैसे अभी मैंने दिखाया कि जो सिलेबस में जितना पोर्शन है वही पढ़ना है जैसे मैंने दिखाया सिलेबस में सिर्फ ये देखिए ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन

आप कोई रिलैक्सेशन नहीं ले सकते इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से समझना है ठीक है और उसके कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी करना है इसमें आप रिलैक्स नहीं हो सकते लेकिन जो अननेसेसरी डेटा है वहां नहीं जाना अननेसेसरी एक्सप्लान है वहां नहीं जाना तो इन सब से बचने के लिए ये टेक्स्ट बुक अच्छी है इस टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो जैसे क्रिकेट में होता है ना वाइड बॉल नो बॉल वो नहीं जाएगी सारी बॉल सही होंगे और सब बॉल पे आप छक्का लगाएंगे सब बॉल पे चौका लगाएंगे हर बॉल गेन करेंगे ठीक है तो मैं एक और चीज आपको बताता हूं कि जब हम कह रहे हैं ना कि ऑब्जेक्टिव आंसर तो कोई भी जो ऑब्जेक्टिव आंसर है ना वो बदलेगा नहीं साइंस को पढ़ते वक्त ना ये चीज बहुत जरूरी होती कि ऑब्जेक्टिव नेचर ठीक है इस पर मैं एक और दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं जिसको जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ते हैं अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये कैसे स्कोर करेंगे तो चलिए ये देखा जाए ये देखिए आपका ये एट्टी क्वेश्चन यहाँ हो गया ये फाइव क्वेश्चन हो गए ये वन सिक्सटी फाइव क्वेश्चन हो गए वन सिक्सटी फाइव क्वेश्चन अगर आप सही कर लेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे किसी किसी स्टेज में ये जो है वन सिक्सटी क्वेश्चन भी बहुत होते हैं ठीक है इस पे करीब बनेंगे फोर सिक्सटी मार्क ठीक है सिक्स फोर्टी मार्क सॉरी इस पे करीब बनेंगे सिक्स फोर्टी मार्क तो ये जो मार्क है ना ये हर किसी को निकलने के लिए बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये जो है आपके गोल पॉइंट है आपको अगर कोई रिलैक्सेशन लेना है तो यहाँ ले सकते हैं यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि बायोलॉजी को अगर आप नहीं सही कर पाएंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे इसे ठीक है तो इ, इतना करते ही मैं जो है अभी इस वीडियो में जो है ये काफी बड़ा हो जा रहा तो यहाँ आपको रोक रहा हूँ इससे आगे जो है अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे चीजों को पढ़ा जाता है पढ़ने में ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है मुझे सिर्फ आपको सिर्फ आपको जो है ये बायोलॉजी पढ़ाना नहीं है बल्कि मुझे एक और चीज़ बताना है कि कैसे साइंस को पढ़ा जाता है जैसे देखिए यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना वो होती है साइंटिफिक अप्रोच की जब आप पढ़ें तो आपका अप्रोच साइंटिफिक हो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है और साइंटिफिक अप्रोच धीरे धीरे डेवलप होगा जब आप अलेवेंथ में जब पहली बार ग्रुप को लेते हैं या फिर पहली बार एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी जो जनरल एज होती है वह सिक्सटीन टू सेवेंटीन ईयर होती है जनरली सिक्सटीन ईयर होती है जो पंद्रह साल में आप दसवीं में जाते हैं और सोलह साल में सत्रह साल में आप मेडिकल इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने आते हैं तो इसमें आपका बिहेवियर आपकी साइकोलॉजी आपके एग्जाम के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है इससे रिलेटेड दूसरी वीडियो होगी जिसे मैं पार्ट सेकेंड में बताऊंगा अभी ये वीडियो काफी लंबा है आप मेरे सारे वीडियो देखिए देखिए एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर मुझे जो है एक पेड़ काटना है तो मैं आधे दिन तक पहले कुलाड़ी में धार लगाऊंगा ठीक है और इसके बाद पेड़ काटूंगा तो मैं ये धार लगाने के काम कर रहा हूं कि पहले आप इंट्रेंस को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ लीजिए जितना बेहतर आप समझेंगे उतना ही अच्छा आपके इफर्ट से आपका अचीवमेंट होगा अगर आप बिना समझे से स्टार्ट करेंगे तो आपका अचीवमेंट भी कम होगा आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और एक बार अगर अगर आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो फिर ये इंट्रेंस आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ठीक है तो मेरा यही जो है अप्रोच है कि मैं आपको इसमें हेल्प करूं, ठीक है तो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो और नेक्स्ट में हम मैं आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव अप्रोच साइंटिफिक मेथड कैसे पढ़ेंगे इसको मैं समझाऊंगा पढ़ाने के अलावा ठीक है तो अभी मैं इस वीडियो को यहां पे एंड कर रहा हूं नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को